हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आज आप लोग को पुराने कपड़े से मैं आप लोग को तकिया पिलो बनाना बताऊँगी, कुशन बनाना। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कपड़ा, ये पुराना सा है। तो ये हमने यहाँ पे लिया है, लंबाई मैंने लिया है 26 और 26 में लंबाई लिया है, मुझे 24 तैयार करना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे लंबाई 24 ले लिया है और उसके बाद हम मुझे चौड़ाई गोलाई लेंगे। तो इसको गोलाई हम लेते हैं यहाँ पे हम लेंगे 12 इंच। तो हम 12 इंच 24, तो यहाँ पे 24 पे हम कट करेंगे, 12.5 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 12.5 और उसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। बस सीधा सा सिलाई है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये तो अंदर में रहेगा ना, तो अब पुराना डाले या नया डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया, उसके बाद हम पहले कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं आप सभी को बनाना बताती हूँ अभी। और ये देखिए, यहाँ पे हमने एक कटोरी ले लिया है। आप कोई सा भी बड़ा छोटा कोई भी, इसका कोई भी नाप कोई भी साइज नहीं होता है, तो आप कोई सा भी एक गोल कटोरी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम इसको गोल गोल पाट के उसके बाद हम इसको कटिंग करते हैं। ये देखिए, गोल काट लेंगे, उसके बाद हम इसको काट के उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए, इसको बाद हम इसमें सेट करेंगे। तो बहुत ही आसान होता है ये बनाना। अब ऐसे ही हमारे यहाँ जो रहता है पुराने कपड़े बहुत इधर उधर फैला रहता है, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि हम कुछ काम का बना लें। उसके बाद हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए, हम दोनों साइड से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमने दो ले लिया है यहाँ पे, और दोनों का हम ये दो मैंने काटा है, तो दोनों साइड से हम इसमें सिलाई करके ज्वाइंट करते। चलिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दोनों साइड से ये सिलाई, पहले हमने चुनन बनाया है और चुनन बनाने के बाद इसमें हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ, मैं मशीन पे नहीं दिखाई हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने चुनन पहले, जैसे हम सलवार कमीज में बनाते हैं चुनन, उस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा एक कहीं कहीं पे एक लगा लेंगे चुनन, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने खोल दिया है, उसमें हम भरेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने पुराने कपड़ा ले लिया है, इसमें हम इस कपड़े को ना छोटे छोटे टुकड़े में जितना छोटा काट सके उतना छोटा आप काट लीजिए। मैंने काट लिया है, तो मैंने इस कपड़े से भी कपड़ों को छोटे छोटे कपड़े टुकड़े काटूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम सभी कपड़ा को हमने काट के रख लिया है। उसके बाद हम यही सारा कपड़ा हम इसमें भरेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने कट करके रख लिया है, और ये कपड़े अगर ऐसे ही भर देंगे ना, तो आपको उतना आराम नहीं मिलेगा। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे ना, तो आपको रुई के जैसा सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, ये कितना लग रहा है ना, अभी पूरे एक ही में आ जाता है। हमने थोड़ा सा लंबा मतलब बना रही हूँ, क्योंकि आप अगर चाहे, अगर दो बच्चे हैं ना, तो दो बच्चे आराम से भी इस पर सो सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाई हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने सभी को इसमें भर देती हूँ, और भरने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे भर लिया है सभी को। उसके बाद यहाँ पे जो हम थोड़ा सा छोड़े हैं, उसके बाद हम सुई धागा से इसको पूरे को हम सिलाई कर देंगे, भर देंगे। और जो इसको ज्वाइंट करने के बाद, इसका जो मैंने इसका ना कवर बनाना मैं बताऊँगी। यहाँ पे देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है, तो इसका मैं कवर अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और इस तरीके से अगर आप लोगों को लगे तो एक डंडा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और इस तरीके से इस पर ठोक देंगे ना, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। पूरे इधर उधर करेंगे तो अपने आप पूरे आ जाएगा अपना सेटिंग में। तो मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए घरेलू नुस्खे में, घरेलू चीज़ों से बना सामान मैं दिखाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बाय। अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।